साहसिकतार परिचय देले 12 वर्षर बालक श्रेयांस राय से 25,000 टंकारे निजे संचय करी साइकिल टी किनी थिले एवं 2021 मसीहा नवंबर 28 तारीख रे साइकिल टी चोरी जेतला दीर्घ एते मास बिती जाइथले मध्ये पुलिस मध्ये छानबीन करिवार को रोकी देइथिला काहेकि ना पुलिस चोर को धरी पारि नथला किंतु से निजे सेही साइकिल चोर को धरी एबे चर्चा रे तांको सहित सीधा सळक आलोचना करिबा से केमती कोन साइकिल चोर को देखिथिले एवं केमती से माने ए साहसिकता केमती से माने निजो भितरे से जिनसटा आनीपारे और चोर को धरी पारे आपन को अर्गस न्यूज को स्वागत करुच्छे। थैंक यू। मो ना श्रेयांश राय। केमती कोन चोर केबे साइकिल टी चोरी हेतला? मो साइकिल चोरी हेतला से नवंबर 28 तारीख। केमती कोन साइकिल को धरिले चोर? मतलब जब मैं चार पांच दिन पहले मैं अपना साइकिल को क्रिकेट जातो मैं कोचिंग आते टाइम मैं अपना साइकिल देखा और आके घर में बोला कि मैं अपना साइकिल देखा हूँ ऐसा ऐसा हुआ है सेक्टर 14 में। तो घर में बोले कि उसको रुक के पकड़ा क्यों नहीं, मैं बोला कि भाग गए वो चोर। कल जब मैं आ रहा था क्रिकेट से छेंड के पास मैं उसको रोका और पूछा ये साइकिल कहाँ से लिया, तो वो बोलता है कि मेरा साइकिल है और मैं जा रहा हूँ। वो चला गया साइकिल लेके छेंड के अंदर, फिर मैं उसके पीछे पीछे गया फिर उसको रोका, तो फिर वो बोलता है कि मैं ये साइकिल ख़रीदा हूँ 10,000 में सेकंड हैंड। मैं उसको बोला कि तू जिससे ये साइकिल ख़रीदा है उसके घर लेके चल, तो बोलता है कि मैं इसका घर उसका घर नहीं पता है, मेरे पापा ये साइकिल ख़रीदे 10,000 में और एक जन नहीं था मेरे साइकिल में, दो जन बैठे हुए थे, एक जन रॉड पे एक जन सीट पे। आपको कैसे मतलब पता चला कि साइकिल आपका ये सीट? साइकिल में जैसे नॉर्मल सीट्स आता है, मैंने एक एक्स्ट्रा सीट कवरिंग लगाया था और उसमें लिखा हुआ था फायरफॉक्स जेल प्रो, तो वो सीट कवरिंग भी सेम था और मैं साइकिल्स में कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस थे सब सेम थे और साइकिल मेन बात है कि रौकला में बस दो ही बिका था, तो अब तो कंफर्म हो गया कि साइकिल मेरा है, मॉडिफिकेशन सब मैंने किए हैं ये सब। फिर वो बोलने लगा कि मेरे पास इसका सब पेपर्स है, मैं आपको पेपर वर्क दिखाऊंगा, आप मेरे को छोड़ दो। तो छोड़ने का तो चांस नहीं बनता था, अगर छोड़ते तो और एक बार मेरा साइकिल का चांस चला जाता मिलने का। हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और एक अच्छा बात है कि पुलिस बहुत जल्दी पहुंच गया वहाँ पे, फिर उन लोगों ने सब हैंडल किया। पुलिस जब मेन ऑफिस में लेके गए पता चलता है कि उसने और दो तीन साइकिल भी चोरी किया हुआ है, तो सबको सबका साइकिल उसने चोरी करके कहीं पर छुपा के रखा था। मेरा साइकिल में दो जन बैठ के जा रहे थे और एक साइकिल चोरी करने, तो जब दोनों पकड़े गए तो पुलिस ने बोला कि कल सबका साइकिल एक साथ मिलेगा। पकड़ते वक्त डर नहीं लगा आपको क्योंकि वो चोर है, कुछ भी रख सकते थे? मतलब वो थोड़ा तो डर लगा लेकिन डर को ओवरकम नहीं करूंगा तो फिर साइकिल भी नहीं मिलता। मेरे पास एक बैट था, मैं बैट निकाल लिया था अगर कुछ होगा तो, मेरे को कुछ होना नहीं चाहिए तो मैं अपना एक वेपन बना लिया था, इसलिए उसके बाद और डर नहीं लगा। हाँ सेविंग से साइकिल खरीदा था तो और दुख लगता था डेली कि इतना अच्छा साइकिल था चोरी हो गया। मैं डेली उसी के बारे में सोचता रहता था, साइकिल के बारे में डेली रोड में आते जाते देखता था कि मेरे जैसे साइकिल मिल जाएगा, तो फिर फाइनली भगवान मेरा बात सुने और कल मेरे को मेरा साइकिल मिल गया। कितना खुश तो बहुत हूँ और मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ कि जो लोग का साइकिल वो चोरी किया था सबको उनका साइकिल मिल गया है अब, तो सब जो जो साइकिल चोरी किया था, एक तो नया साइकिल पूरा चोरी किया था जिससे रैपिंग भी नहीं निकला था, उनको कितना दुख लगा होगा। छोटा उम्र हो के इतना बड़े काम किए हो, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है और खुशी लग रहा है। मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कुछ भी सामान चोरी होता है पहली बात तो उसको चोरी होने नहीं देना है, आपको केयरफुल रहना है हर जगह। सामान जब चोरी होता है आप पुलिस में कंप्लेन करने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप लेना है कि आपको भी केयरफुल रहना है, आपको अपना सामान के आजू बाजू में देखते रहना है, हर जगह केयरफुल रहना है, अगर कहीं पे दिख गया तो जल्दी से जल्दी आपको सब इमीडिएट एक्शन लेना है और आप किसी और का भी हेल्प करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माँग ठार पचारा कि केमती रही है जो पुंकर बड़ साहसिकता जो छोट छुआटे एत बड़ कम करमती लगुच मैडम? आई एम वेरी मच वेरी प्राउड ऑफ माय सन। चार दिन पहले वो आके जब बताया मुझे कि मामा मैंने अपना साइकिल देखा है सेक्टर 14 के आसपास कहीं पे, तो हमने यही बोला कि अरे तुम ढूंढे क्यों नहीं उसके पीछे क्यों नहीं गए,
तो इसका था कि इतने सारे गली में मैं वो कहाँ घुस गया मुझे पता ही नहीं चला। एंड इमिडिएटली कल फिर मुझे पता ही नहीं था, मैं उसको कॉल करी हो रही थी, मैं क्रिकेट से आने में लेट क्यों हो रहा है, तो इसने बताया कि मैं साइकिल मिल गया है और पुलिस वालों के साथ में मैं हूँ। एंड टू माई सरप्राइज में बोले ऐसे कैसे हो गया, तो बोला हाँ छेंड में मुझे दिखा और मैं उसको रोका उसको मैंने, और फिर मैं जब चेक किया कि मैं कंफर्म हो गया जबकि मेरा ही साइकिल है, तो उसने अपना लोकेशन अपने मामा से भी शेयर किया और पुलिस वाले को भी बताया, अपने पापा को भी कॉल किया। एंड पुलिस, ये अच्छी बात है कि पुलिस भी इमिडिएटली पहुंच गई वहाँ पे और मिल गया, बहुत खुश है। अपने सेविंग से लिया था साइकिल, तो दुख तो उसको बहुत था, हम लोगों को भी था इनफैक्ट, कि नया साइकिल है, थोड़े दिन ही चलाया था और चोरी हो गया ऐसे। बट अच्छी बात यह है कि वो कभी गिव अप नहीं किया था, जबकि हमने गिव अप कर दिया कि अब कोई चांस नहीं है। एक दो महीने तो हमने भी खूब ट्राई किया, पुलिस एंड ये वो ढूंढना, जितने अपने कॉन्टैक्ट से राउटला के हर जगह अपने हमने बताया कि भाई ये साइकिल हमने फॉरवर्ड कर दिया पिक्स, कि जिसको भी दिखे तो प्लीज़ बताना। लेकिन दो तीन महीने होने के बाद वी गिव अप, बट ये कभी गिव अप नहीं किया था, ये हमेशा बोलता था कि मम्मा मैं आते जाते देखता रहता हूँ कहीं रोड में मुझे अपना साइकिल मिल जाए। तो मेरा भी मैसेज यही है बाकियों से कि ध्यान रखना है और अलर्ट रहना है, और सिर्फ पुलिस के भरोसे बैठना नहीं है क्योंकि उनके पास दूसरे भी काम है, तो खुद भी अलर्ट रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो शायद मिल जाए जैसे हमारे साथ हुआ। मे बी हमारा लक अच्छा था, ये जो भी था, लेकिन गिव अप नहीं किए वो इम्पोर्टेंट है, कि वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड कीप होप। सीधासळख तक माँ कहते कि हार कथा नुहे, जेहेतु गोटे चोरी होती किंतु निश्चिंत तो मिल किंतु से आज सैकल को पाई से बहुत खुशी अच्छा। राउरकेलू सस्मिता पृष्ठ रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।